दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप ये भी जानते होंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी तकनीक इसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि ये कुछ भी कर सकती है, ये चमत्कार कर सकती है, ये हर उस विश्वास को सच्चाई में बदलने की ताकत रखती है जिन्हें आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से सोचते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप सही तरीके से अपने अवचेतन मन की शक्तियों को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन में मनचाहे बदलाव और चमत्कार ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को और अपनी आदतों को अपनी मनचाही चीज या जीवन पाने के लिए बदल रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाया है कि मैं सक्सेस हासिल करने के काबिल नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ या मैं अमीर नहीं हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं ना ही खेलूं। इस तरह के वाक्यों ने आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को सालों से खराब किया है और इस तरह के विचार हमारे जीवन में सच्चाई के रूप में आने लगते हैं। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि ये हमेशा हमारे सकारात्मक विचारों पर विश्वास करे और हमारी हर इच्छा को पूरा करे। हम बचपन से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग सीमाओं में बांध देते हैं, उसे लिमिट करते हैं, अपने आप को डरा कर खुद को कमजोर बनाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि धीरे धीरे आप बड़े फैसले लेने में घबराते हैं, आप आत्मविश्वास की कमी का अनुभव करते हैं, आप खुद को एक ऐसी दुनिया में समेट देते हैं जहां केवल तनाव, चिंता, निराशा, असफलता और डर तथा तंगी फैली होती है। आप नेगेटिव वाइब से घिर जाते हैं और फिर आपके साथ केवल वैसी ही चीजें होती हैं जो आपकी निराशा और दुख का कारण बनती हैं। आप भरपूर मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम न्यायपूर्ण नहीं निकलते। इन सभी चीजों का कारण केवल एक ही है, वो ये कि आपने उन्हें अपने विचारों से खुद अट्रैक्ट किया है यानी आकर्षित किया है। इसीलिए अब वो सही समय आ गया है जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से अपनी हर वो मनचाही चीज आकर्षित करें जिसकी आपने कल्पना की है। ये तभी संभव है जब आप सालों से बनी आ रही अपनी धारणा को, अपने नकारात्मक विचारों के बंधन को तोड़ पाने में कामयाब होंगे और यही है सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे तरीके जिनसे आप सालों से सीमाओं में बंधे और बंधनों में बंधे अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को आजाद करेंगे। आप खुले आसमान की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे। आप सफल होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, अमीर होंगे और दुनिया के सबसे खुश और शांत इंसान होंगे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को अनलॉक कर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर वन, रीप्रोग्रामिंग की जर्नी में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इस राह पर दिल से कदम आगे बढ़ाना है। रीप्रोग्राम करने को बोझ ना समझें, ऐसा ना महसूस करें कि अरे ये तो अजीब है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए आपको अलग से वक्त देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसीलिए इस काम को अपने पूरे दिल और आत्मा से करें, पूरी सकारात्मकता से करें और स्वयं पर पूरा विश्वास रखें। इस राह पर चलना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको डटकर पूरी हिम्मत से अडिग रहना है। नंबर टू, अपने विचार,
भावनाओं और भाषा पर गौर करें। दोस्तों, जब भी आपके मन में आपके प्रति या किसी भी परिस्थिति के प्रति कोई विचार आए तो उस पर ध्यान दें। देखें कि आपका मन किसी घटना के प्रति कैसी सोच रखता है, किस भाषा का प्रयोग करता है और कैसी भावनाएं रखता है। चूंकि अभी आपका चेतन मन गलत तरीके से प्रोग्राम है, इसीलिए काफी हद तक संभावना है कि वो किसी भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में नकारात्मक ही सोचेगा। जैसे मान लीजिए कहीं आपका इंटरव्यू है तो वो आपको डराएगा, आपको कमजोर बताएगा, नतीजतन आप घबराएंगे, आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। ये तो केवल एक उदाहरण है। जब आप अपने अवचेतन मन के विचारों को गौर करेंगे तो चुपचाप उन्हें सुनते रहिए, क्योंकि ये आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपके अवचेतन मन में प्रेषित कर रहा है, भेज रहा है। यदि संभव हो सके तो आप इस विचार को अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर लें या फिर अपने फोन में कहीं लिख लें। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके द्वारा कुछ दिनों से लिखी गई ज्यादातर बातें नकारात्मक हैं। इसीलिए अब वो सही समय आ गया है जब आप अपने अवचेतन मन के इस विश्वास को बदलें, उसकी शक्तियों को एक नया जन्म दें। नंबर 3, अब इसके ठीक बाद का स्टेप है। इसमें आपको उस विश्वास को बदलने के लिए एक कदम उठाना है। आज तक आपने गौर किया, आपने अपने मन को ध्यान से सुना, उसे नोट किया, लेकिन अब समय है उस विश्वास को बदलने का। जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, आप तुरंत उसे बदलकर सकारात्मक कर लें, या जहां आपने अपने नकारात्मक विचार को लिखा था उसके ठीक नीचे उसका सकारात्मक वाक्य लिखें। जैसे मान लीजिए आपके मन ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, उसे वही बदल कर लिख दें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। या मान लीजिए आपने उसे नोट नहीं किया तो आप मन में ही तुरंत उस नकारात्मक विचार को अपने सकारात्मक विचार से या वाक्य से जवाब दीजिए। नंबर 4, नए विश्वास लिखना या सोचना शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, विचारों और विश्वास पर काम करता है, इसीलिए ऐसे विचारों को अपने जीवन में शामिल करें जो नई संभावनाओं से भरे हों, जिनमें नई ऊर्जा हो, जिनमें आत्मविश्वास हो। कभी नकारात्मक ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने आसपास भी ऐसे लोगों का चुनाव करें जो सकारात्मक हों। अपने मन के हर अंधविश्वास को तोड़कर नए विश्वास का स्वागत करें। उन्हें लिखें, जैसे मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे ईश्वर ने पूरी क्षमता से बनाया है और मैं खुश हूँ। मैं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। दोस्तों, आप सेल्फ अफर्मेशंस भी सुन सकते हैं जो आपके अवचेतन मन के विश्वास को बदलने में संजीवनी का काम करते हैं। उन्हें सुनिए, उन्हें अपने मन में दोहराइए, उन्हें सोचिए और महसूस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध उन सेल्फ अफर्मेशंस का लिंक भी मिल जाएगा जिन्हें आप सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सुन सकते हैं। इस समय इसीलिए क्योंकि इसी समय हमारा अवचेतन मन किसी भी विश्वास को सुनकर उन्हें साकार करने में लग जाता है। इस समय वो सबसे सक्रिय यानी एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन के संकुचित विश्वासों की सीमाओं को तोड़कर नए अवसरों की उड़ान भरने के लिए? नंबर 5, अपने आप को सफल होने की इजाजत दें। दोस्तों, अपनी छोटी से छोटी सफलता को एंजॉय करें, उन्हें जिएं, उन्हें स्वीकार करें। ऐसा ना सोचें कि मैंने तो इससे अधिक की आशा की थी लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आया। इन बातों का आपके अवचेतन मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बजाय कि कितनी भी छोटी सफलता पर संदेह करने के, आप उनकी खुशी मनाइए। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का धन्यवाद कीजिए जिसने वो आपको दी। खुद पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास।
बड़ी सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन सही समय पर। आप बस अपना कर्म करते जाइए, बिना फल की आशा किए, जैसा कि श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो आप अपना विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, जिस प्रकार यह विश्वास सफलता के विषय में काम करता है, ठीक उसी प्रकार ये धन के विषय में भी काम करता है। आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि जरूरत से ज्यादा धन इंसान को अपंग बना देते हैं। ध्यान दीजिए, कभी न कभी आपने इन विचारों में अपनी सहमति दिखाई होगी और नतीजतन आपका अवचेतन मन धन को बुरी वस्तु मानकर आपके जीवन से उसकी कटौती करने लगता है। इसीलिए धन के प्रति हमेशा अपने मन को सकारात्मक संदेश दें। धन तो एक ऊर्जा है किसी भी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए ये कभी बुरी नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि उसका सही और गलत प्रयोग हमारे हाथ में है। नंबर 6, और अब माइंड रीप्रोग्रामिंग का आखिरी स्टेप। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन से जो भी प्रार्थना करते हैं उसकी कल्पना अपने मस्तिष्क में करें, लेकिन ये कल्पना सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं उस कंपनी का एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, इसीलिए मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा, मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है। अपने अवचेतन मन तक इस प्रार्थना को पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली उपाय है अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। इसीलिए अपनी कल्पना से उस स्थिति की कल्पना करें जब आप सिलेक्ट हो गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे बहुत खुश है और वो आपसे हाथ मिला रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, इस तरह से। तो कल्पना करने से हमारा अवचेतन मन उस कल्पना को साकार करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कल आपका कोई कॉम्पिटिशन है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही और आपको सब कॉन्ग्रेट्स कह रहे हैं। ध्यान रहे कि ये कल्पना आप रात को सोते समय करें, क्योंकि इस समय आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी बात को बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरे ध्यान से सुनता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। बस हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके सकारात्मक विचार ही आपके जीवन में चमत्कार की चाबी हैं। अपने अवचेतन मन पर अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखें। ऐसा कभी ना सोचें कि ये झूठ है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके अवचेतन मन के सभी पावर्स को अनलॉक करने की एकमात्र चाबी है। आपका चेतन मन आपके इस विश्वास को डगमगाने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन आपको एक योद्धा की तरह अडिग रहना है। हम आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्रामिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आप पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।